दिखाओ। टू थ्री जा रही है ये से कौन से कर ली। अच्छा जी, हमारी तरफ से तमाम ही घर बैठे कैद लोगों को जश्न आजादी मुबारक। अच्छा जी, कैद लोगों को जश्न आजादी मुबारक, जब घर में कैद है तो आजादी कैसे मुबारक भाई? तो लॉकडाउन लगा हुआ ना। अच्छा हाँ, तो कैसे मनाए? बात बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ साथ बता आज हमारा गेस्ट कौन है? एंजेलिना जूली? नहीं। माधुरी दीक्षित? नहीं। करीना कपूर? नहीं। अरे भाई फिर कौन है? उमर मैजिशियन। जादूगर हम हैं, आपको करके दिखाते हैं कुछ जादूगर के। तो आप ये रुमाल चेक करें पहले, रुमाल में कुछ है तो नहीं? कपड़ा कौन सा है? कपड़ा कौन सा है आप बताइएगा। रेशम वेशम कुछ लग रहा है? ऐसे नहीं हो, जादूगर क्यों चेक करता है? तो आप जादूगर तोड़िए भाई। मैंने भी बसों में बहुत सफर करा, W11 में आता था जादूगर। ये लो भाई, क्या करना है इसका? येलो कलर का है इसका, देखिएगा जोर से। येलो कलर है ना? येलो कलर। अभी मेरा हाथ बिल्कुल देखें एम्प्टी है, सही है? अब इस हाथ को हाँ बिल्कुल खाली दिखाया था। दिखाइए जरा, खाली है? ओ भाई ना, अरे नहीं नहीं, यूं खाली दिखा रहा था मैं। अच्छा, हाथ खाली है। और देख पकड़ना, हाथ खाली है मेरा, खाली है। ठीक है, अब ये वाला हाथ भी खाली है। और एक हम आपके सामने जो हमने यहाँ से भी उठाया था, बिल्कुल येलो कलर का रुमाल जो हमने आपको चेक भी करा दिया। अब ये मेरा हाथ बिल्कुल खाली है, इसको दोबारा से हम आपके नजरों के सामने इसको डालेंगे अपनी मुट्ठी में। तो अभी ये बताइएगा कहाँ पर जा रहा है ये रुमाल? कहाँ पर जा रहा है? मुट्ठी में। आपकी नजरों के सामने जा रहा है और आप भी व्यूअर्स देख रहे हैं कि कहाँ जा रहा है? मुट्ठी के अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मुट्ठी में गया। मुट्ठी में गया। मुट्ठी में जाने के बाद ये मेरा बिल्कुल हाथ खाली, और ये मैंने मुट्ठी में डालने के बाद इस पे थोड़ा सा मैजिक करेंगे। तो मैजिक करने के बाद अब बताइएगा कहाँ पर है रुमाल? मुट्ठी में। मुट्ठी में बिल्कुल है। और आपके सामने भी कहाँ है? मुट्ठी में। मुट्ठी में। तो मुट्ठी में आप लोगों के सामने रुमाल। 1 2 3 ओ भाई, ओ बिल्कुल गायब हो गया। अंगूठी उतारे इसके अंदर। चेक कर पूरा। ओ भाई क्या है, अंगूठी के अंदर है ये? कोट उतार ना, ये कहीं है पैंट उतारो। ये गया कहां? अरे भाई क्या, अरे जादूगर हूं ना यार मैं। ये रुमाल है आपके सामने, सही है? ये मेरा हाथ बिल्कुल एम्प्टी है, सही है? अब इस रुमाल को मैं हवा में फेंकूंगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसके साथ कोई मैजिक हो जाए? कपड़े के साथ ये हवा में फेंकूंगा और ये गायब हो जाएगा। इसको हवा में कितना फेंकूंगा, भाई हवा में फेंकूंगा ये हो जाएगा गायब आपके सामने। करके दिखाओ, करके दिखाएं। 1 2 3 कहाँ जा रही है ये? से कौन से बड़ी तेज गई है यार? कहाँ था? ये छत पर सुराग तो नहीं है? कौन है? लग रहा है मेरे को छत पर से आई है। कहाँ है तेरे मौकिल बुला? ओ भाई, ओ कौन कर रहा है ये? अरे मेरे को लग रहा है आपकी ये रुमान भाई आपका घर है ना? ये कहाँ से निकाला जल्दी बता ये भाई। ये इतनी बड़ी चीज मेरे पास थी? अभी मैंने आपके सामने रुमाल फेंका है, अभी ये ऊपर से आ गई स्टिक, पता नहीं क्या हुआ। कपड़ा है भाई? नहीं नहीं, ये कपड़ा यार, कपड़ा लोहे का थोड़ी है यार, कपड़ा लोहे का थोड़ी है। लोहे का एक सेकंड मैं आपको दिखा दूं। जी जी, ये देख सकते हैं आप, ये कपड़ा एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा एक जादू मेरे पास भी है। अच्छा, ओ अरे अरे वाह, आप जादूगर? लंदन से सीखा है। वाह, ओ माय गॉड। चलें बताएं ये कैसा जादू? एक सेकंड हो रहा है। अच्छा हो रहा है। अच्छा मेरा मुंह किसके ऊपर टिका हुआ है? हाथ के ऊपर। मुंह नहीं गिरा ये देख। ओ माय गॉड, वाह भाई वाह, क्या बात है, एंड कर दिया भाई। वाह भाई, ये क्या है भाई, एक जादू मुझे भी आता है। इसी बात पे अहमद ने सिखाया है भाई। आप क्या जादू दिखाओगे? मैं दिखाता हूं जादू। दिखा बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता? दिखा, आज जादूगर के साथ बैठे हुए हम भी जादू दिखाएंगे। ओ माय गॉड, दोनों आंखें बंद करो। मैं गायब कर ली, आंखें बंद कर ली। जी जी कर ली। ओ माय, ये क्या हो गया यार? ये तो ये रिजवान भाई कहां चले गए? दिखाते हैं हमारे पास ये रिंग जो मौजूद है, अभी हम इस रिंग को आपको करके दिखाते हैं। मेटल के रिंग है, देखें बिल्कुल साबुत, सही है? अब इस मेटल के रिंग को आपको हम गिनवा लेते हैं, कितने रिंग है हमारे पास, सही है? आप हमारे साथ काउंट करिएगा। 1 2 2 3 3 4 कितने रिंग है? चार रिंग है हमारे पास। तो अब चार रिंगों में से हमने एक रिंग को अपने हाथ में लिया, ये देखें अब ये बिल्कुल रिंग बिल्कुल साबुत है, देखें बिल्कुल दिखा मुझे, कड़क है, कड़क है ना, साबुत है। अब ये साबुत रिंग को हम आपके सामने अगर इस रिंग पे यूं करके मारेंगे तो इसके अंदर ये लिंक नहीं हो सकता,
ऐसा इम्पॉसिबल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ये पूरा ज्वाइंट हुआ मैं कैसे। लेकिन जादू में ऐसा कुछ भी हो सकता है, सही है, मैजिक ऐसी थोड़ी कर रहा है। नहीं, मैं थोड़ी मानूंगा, ये कैसे चलाएगा। अच्छा आप लोग नहीं मान रहे, चले आप वीवर्स आप भी नहीं मान रहे होंगे बिल्कुल। अब देखें इस रिंग को हम इसके ऊपर जैसे मारेंगे और ये इसके अंदर लिंक हो जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैजिक में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो 1 2 3 ये देखें, ये बिल्कुल आपके सामने, एक सेकंड जरा मुझे दिखाएं, लिंक हो चुका है, दिखाएं क्या हुआ। अच्छा ये आप एक मिनट रुक जाएं, अरे मुझे ये बताओ कि मतलब क्या किस तरह हो रहा है ये जादू, मतलब मंत्र वंतर होते हैं क्या होता है ये जादू, किस तरह आता है यार? ये बेसिकली एक ट्रिक्स होती है और ये हमारे हाथों की सफाई भी होती है और ये प्रैक्टिस के बाद बहुत हम कर रहे होते हैं ये सब। अच्छा भाई तुमने तो अपने दिखा दिए जादू, मैं अपना दूसरा जादू दिखाने वाला हूँ। दिखाओ दिखाओ, मैं भी देखूंगा तेरा जादू अहमद खान का। चलो भाई जादू चेक करें। ये क्या है? माचिस। माचिस ये क्या है? माचिस। तीली तीली, एक सेकंड माचिस। तीली तीली माचिस, एक सेकंड मुझे दिखा दे। हाँ देख लो भाई, जलेबी है कि नहीं है? नहीं नहीं जलेबी नहीं, जलेबी ना नहीं बिल्कुल। आप भी देख लो भाई, साबुत जी, साबुत है, साबुत अभी अभी बॉक्स से निकाली है, जिंदा माचिस, जिंदा माचिस। आप ये देखो, ये जल गई जी, जी जल गई, ठीक है जल गई। आप ये जला के दिखाओ, आप जला के दिखाएं। एक सेकंड जरा, रिजवान भाई जलाएंगे। आप जला के दिखाओ बाबू, हम भी जादू कर रहे हैं। ये ले जला, किसी का बाप नहीं जला सकते ये माचिस, ये कौन जलाएगा जली हुई माचिस, इसका तो राख बन गया। अच्छा तुम ये जो जादू करते हो जी जी, तो मतलब किसके तुम बहुत बड़े फैन हो, मतलब तुम्हारी फील्ड है ना जी जी, नंबर वन मैजिशियन कौन है हमारे पाकिस्तान की? अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो काफी अच्छा मैजिक करते हैं, लेकिन मैजिक करते हैं जी जी, जो मेरे टीचर हैं और मुझे पसंद है उनका मैजिक, तो जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ तो मुनव्वर खान साहब हैं, जो मेरे टीचर हैं और वो पाकिस्तान के अंदर इल्यूजनिस्ट भी हैं इस टाइम, और काफी अच्छा उनका मतलब आप फॉलोइंग वगैरह यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं मुनव्वर खान साहब। और इंटरनेशनली किसको फॉलो करते हो? इंटरनेशनली बहुत सारे हैं, वो क्रिस एंजल, क्रिस एंजल अच्छा भाई, उसकी मैंने एक वीडियो देखी, वो लड़की काट देता बीच में से, वो भाई बहुत लड़की भाग रही होती, धड़ भाग रहा है। अच्छा यार वो मैं कहता हूँ यार, वो क्या है, वो क्या चीज़ है? और मैंने उसका वो भी देखा है, वो जो उसमें समंदर में पानी पे भाग रहा है, क्या चल रहा है यार? हाँ, लेकिन उसकी पोल खुल गई, क्या था वो? शीशा था। अच्छा यार देखो, मैं रिजवान खान एक बात बताऊँ, देखो हम थाईलैंड में भी गए थे, वहां पर हमने एक मैजिक शो देखा था, सही है, वहां पे ये था कि मैजिक शो का ना लोग एंजॉय कर रहे थे। अच्छा जी, कि यार ये जादू हो रहा है, वो जादू खत्म हुआ, और एक टेंशन ही क्लैप क्लैप वेरी अप्रिशिएट। हमारा पाकिस्तान में पता क्या होता है? क्या होता है? हम देखते हैं कि ये जादू हो रहा है जी जी, हम एंजॉय करने के बजाय ये देखने लगते हैं कि ये साला कर कैसे रहा है। नहीं, और जो आप मैं आपको इसके बाद कनेक्ट करूंगा, और जो हमारी चबूतरे पे बैठने वाली हवा में ना, वो इस तहकीक में लग जाती है। मुझे पता है कामरान, चला तेरे को घर पे, मैं करके दिखाता हूँ जादू। अबे भाई करना कराना कुछ आता नहीं है इनसे, ये बात कर रहा है, जादू कर रहा है वो एंटरटेनमेंट कर रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको एंजॉय करो, आप एंटरटेनमेंट करो जी जी भाई, आप कार में बैठे हो, छोड़ो भाई कार कैसे बना है भाई, ड्राइव करो, एंजॉय करो, कार चलाओ आप में, ऐसा होता है कि फंक्शन में ऐसा बहुत बहुत होता है, बहुत होता है, पुराने हाथ में ऐसा हुआ है जी जी, बहुत आवाज आती है पीछे से, है ना जी जी, बिल्कुल होता है, प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है। कैसे मतलब क्या एनएफ वाला जिन देखते थे, और मतलब किसको देख के ऐसा शौक चढ़ा कि यार मैं जादू करूं? ये असल में मैं था जब सिक्स क्लास में, तो वहां पर एक मेरा दोस्त बना व्हाट्सएप के थ्रू, तो उससे आई थिंक अभी देखें, उसने आपको अंगूठे वाला जादू दिखाया पहले? नहीं नहीं, अंगूठे वाला जादू नहीं, अब देखें अंगूठे वाला जादू, बहुत टाइट जादू है वो, बड़े लोगों ने भाई बड़ा मशहूर जादू है अंगूठे वाला जादू जी जी बिल्कुल। तो दोनों हाथ ही दोनों अंगूठे ही हैं, तुझे कौन सा अंगूठा लगाओ जी जी, वो तो शनाख्ती कार्ड बनते थे ना जब होते थे वो, तो किसको मतलब किस कौन तुम्हारा आइडिया? तो वो मेरा आइडियल नहीं था, एक किस्म का बस एक दोस्त था, कोई जानवर था नहीं, दोस्त था, इंसान था भाई, इंसान क्या, था क्या उसको देख के हुआ? उसको फीलिंग्स ये आई कि वो मैजिशियन था पहले। अच्छा। तो मेरा रापता हुआ तो मैं उससे बातचीत करता था, उसने आपने भाई मुझे भी जादू सिखाओ? नहीं नहीं, उसने पहले वीडियोस वगैरह भेजी मेरे को, शौक चढ़ाया भाई, जब मेरे को शौक चढ़ गया ना, उसने जो वीडियो भेजी वो कौन सी वीडियो थी जो आपको? अपनी परफॉर्मेंस की वीडियो, जो अपना मैजिक शोज वगैरह करता है जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। अच्छा तुम्हारा कोई कॉन्टेक्ट नंबर है जैसे तुमसे कोई शो कराना चाहता है? ये बताया, ये कि हम मैं अपना अभी जो जो मैं मैजिक शो करता हूँ, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट नंबर है, जो कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने हम
नीचे दे देंगे, हम नीचे तो लगा देंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी जी। तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये है कि नहीं, बात करने के लिए नहीं, नहीं, नहीं बात नहीं, मतलब ये कि शो के लिए लड़कियां छाट लो, ऐसा ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो नहीं करो जो हम करते हैं। जो आपको शो करवाना, शो के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके बिल्कुल कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। और उमर मैजिशियन के नाम से एक मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप चाहें तो उस पर कोई भी चेकआउट करके ना, कोई मजबूर नहीं करें, वहाँ पे आप चेक करें, वहाँ पर मैं मैजिक शोज वगैरह की वीडियो अपलोड करता हूँ। तो ये क्या है आपका चैनल? उमर मैजिशियन के नाम से, उमर मैजिशियन के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं तो भाई को सब्सक्राइब करें जाके यूट्यूब पे, और इनको भी जो ये जादू वादू दिखाते हैं तो इनको जरा और अप्रिशिएट करें। और इसके अलावा अगर आप में भी कोई टैलेंट है बिल्कुल, तो आप भी नीचे कमेंट करें कि भाई मेरे में ये टैलेंट है, तो हम उसको भी अपने शो में बुला लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल कमेंट्स में बताएं कि किसके अंदर क्या टैलेंट है। चलें जी, ठीक है, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।